के साथ आए तूफान में भरभराकर गिरा मकान। मौके पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि, एसडीएम और लेखपाल को घटना से कराया अवगत। सरकारी मुआवजे का दिया आश्वासन। थाना सिकंदरा क्षेत्र के सिंगना नगला रेती का है मामला। चोरी करने पर युवक को पेड़ से बांधकर जमकर की पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। युवक ने किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली से बाजरा की बोरी की थी चोरी। खरीद केंद्र पर बाजरा बेचने आया था किसान, चोर को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। पिनाहट कस्बे के बाजरा खरीद केंद्र का मामला। पीलीभीत में कड़ी मशक्कत के बाद कई दिनों से घूम रही बाघिन को पकड़ा। टाइगर रिजर्व व सामाजिक वानिका के पशु चिकित्सा के माध्यम से रेस्क्यू का किया प्रयास। लगभग 3 घंटे तक चला ऑपरेशन। रायबरेली में फरियाद लेकर कोतवाली पहुंची वृद्धा को देख भावुक हुए कोतवाल। नंगे पैर आई वृद्धा को कोतवाल ने खुद अपने हाथों से चप्पल मंगवाकर पहनाई। वृद्धा की शिकायत का तत्काल करवाया निस्तारण, साथ ही वृद्धा को कोतवाल ने की आर्थिक मदद। रायबरेली के शहर कोतवाल संजय त्यागी की दरियादली देख लोग हुए भावुक। राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया सामने, कहा 23 तारीख से उत्तर प्रदेश में होगा आंदोलन। उत्तर प्रदेश में अपने मीटर उखाड़ कर दें जमा। मुजफ्फरनगर के मुंडभर में हुई पंचायत में दिया बयान। वेल्डिंग करते समय स्कूटी में लगी आग, कुछ ही देर में स्कूटी जलकर हुई खाक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। अमरोहा जिले के रहरा रोड का मामला। रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक की लापरवाही आई सामने, पानी की बर्बादी करने में माहिर बने प्रधान अध्यापक। समरसेबल की मोटर चलाकर जाते हैं जिम्मेदार, जल भराव के चलते जलमग्न हुआ विद्यालय। लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। ललितपुर के बिरदा चौकी अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों के पास से 4,21,000 रुपए और 3 तमंचे किए बरामद। सीमा हैदर का रबूपुरा में घर बनकर हुआ तैयार, सीमा रख रही नवरात्रि के पावन पर्व पर्व्रत। सीमा हैदर के घर का वकील ने किया शुभारम्भ, सीमा ने घर में पीएम सीएम की लगाई तस्वीर। गाजियाबाद बंतला फ्लाईओवर पिलर पर चढ़ा युवक, लोगों के समझाने के बाद भी नहीं उतरा युवक। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर युवक को उतारा नीचे। युवक का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट की महागुण माया वुड्स सोसाइटी में 2 माह से वेतन न मिलने के कारण सुरक्षा गार्डो ने की हड़ताल। सोसाइटी के मेन गेट को किया बंद, निवासी नहीं जा पाए ऑफिस। एक्शन में गोरखपुर के नगर आयुक्त गौरव सोगरवाल, महानगर के विभिन्न वार्डों का किया निरीक्षण। साइकिल पर सवार होकर किया निरीक्षण, निरीक्षण कर कर्मचारियों को दिए जरूरी निर्देश। विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली, हथेली में गोली लगने से युवक हुआ घायल, आरोपी फरार, साथी को ग्रामीणों ने पीटा। पुलिस ने घायल को भेजा मेडिकल कॉलेज। प्रतापगढ़ के भगवा गाँव का है मामला। रायबरेली के गीता नर्सिंग होम पर लगा प्रसूता की मौत का आरोप, ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद हुई मौत। परिजनों ने की नर्सिंग होम को सीज करने की मांग। टीचर के गले से लिपटकर रोए सैकड़ों छात्र छात्राएं, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधान अध्यापिका को किया निलंबित। स्कूल में साफ सफाई और शिक्षण कार्य सही से न होने पर प्रधान अध्यापिका को किया निलंबित। शिक्षिका के निलंबन वापस करने की जिलाधिकारी से रखी मांग। मथुरा के फरह ब्लॉक के रहीमपुर के प्राथमिक विद्यालय का मामला। हमीरपुरे में लगी शॉर्ट सर्किट से दुकानों में भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, आग की चपेट में आई कई दुकानें। आग लगने से आसपास हड़कंप का माहौल, आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। हमीरपुर सुमेरपुर थाना इलाके के बेलाही बाजार के पास का मामला। बिजली विभाग के वर्कशॉप में खतरे में मजदूरों की जान, बिना सुरक्षा उपकरणों के वर्कशॉप में कराया जा रहा काम। काम कर रहे मजदूरों को नहीं दिए गए हेलमेट और सेफ्टी शूज। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने वर्कशॉप इंजीनियरों से की थी बैठक, चेयरमैन के दिशा निर्देश के बाद भी नहीं सुधर रहे अफसर, सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर करा रहे काम। अयोध्या में जारी भव्य राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें आई सामने। फरुखाबाद में राम बारात में युवक ने लहराई तलवार, डीजे पर डांस करते हुए तलवार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस, डीजे पर डांस के दौरान युवक ने खुलेआम लहराई तलवार। युवक के तलवार लहराने से भारी भीड़ में हो सकता था बड़ा हादसा, पुलिस प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने नहीं रोका युवक को। मोरन खनन माफियाओं का सेफ जोन बना बांधा, कनवारा में नदी की जलधारा रोककर किया जा रहा अवैध खनन। ओवरलोड ट्रकों पर एआरटीओ बांधा की खास मेहरबानी, डीएम की कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध खनन। हैवी पोकलैंड मशीन लगाकर रात दिन किया जा रहा अवैध खनन, बांधा के कनवारा के खंड संख्या 5 का मामला।